मौसम बदलते ही कई तरीके की बीमारियां इंसान को घेरने लगती हैं। उनमें से कुछ बीमारियां हैं सर्दी जुखाम, तो कुछ है आपका स्किन का रूखापन या फिर स्किन ड्राइनेस। तो यही इसी बीमारी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के फाउंडर और MD डॉक्टर महेंद्र राणा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्किन ड्राइनेस क्यों होती है और क्या होती है? मेनली तीन टाइप की स्किन पाई जाती है। कुछ लोग ड्राई स्किन वाले होते हैं, कुछ लोगों में ऑयली स्किन पाई जाती है, कुछ लोगों में मिक्स्ड स्किन टाइप होता है। ड्राई स्किन की आपने बात की, ड्राई स्किन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी त्वचा होती है उसमें रूखापन होता है। अगर आप उसमें स्क्रैचिंग करेंगे तो व्हाइटनिंग दिखेगी, इसके अलावा इसमें इचिंग ज्यादा प्रोन होती है और कभी कभी रेड चकत्ते, लाल चकत्ते भी पाए जाते हैं। तो ये पहचान होती है ड्राई स्किन वालों की। एक स्किन कंडीशन भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग स्किन। डिहाइड्रेटिंग स्किन बेसिकली दो फैक्टर की वजह से होती है, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम पानी का इंटेक कम ले रहे हैं, जितनी हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है अगर हम उतना पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर हमारे शरीर में हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या पर्याप्त मात्रा में 6 से 7 घंटे की रेगुलर नींद नहीं ले रहे हैं, इससे हमारी स्किन में इंटरनली डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हमारे शरीर में हो रही है, उससे भी जो है इंटरनली हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो जो इसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनमें बहुत हार्श केमिकल युक्त साबुन का प्रयोग करना, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करना, खास करके आजकल नायलोन के लूफा मार्केट में मिल रहे हैं और जब लोग उनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उससे स्किन में एक्सटर्नल डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ में अगर हम बहुत ज्यादा देर तक पानी के संपर्क में रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में बहुत समय तक रहते हैं, तो स्विमिंग पूल का पानी क्योंकि क्लोरिनेटेड रहता है तो उस क्लोरीन के कारण भी हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है। अगर हमारी स्किन ड्राई है, उसको नमी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी स्किन की ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम लोग जीरोसिस की कंडीशन कहते हैं। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं स्किन में, जैसे एक्जिमा की कंडीशन बन जाती है, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें से डेड सेल्स निकलने लग जाती हैं, जिसके ड्राई पैचेज हमारी स्किन में दिखने लग जाते हैं। साथ ही साथ में एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में होने लग जाती है, क्योंकि ड्राई स्किन में जो हमारी स्किन की ऑयल ग्लैंड होती है, उन ड्राई स्किन वाले व्यक्तियों में ऑयल ग्लैंड कम होती है। तो अगर इंटरनली हमें स्किन को ऑयल नहीं मिल पा रहा है हमारी स्किन को, तो हमें वो ऑयल बाहर से देना होगा। तो उसके लिए आप जैतून का तेल, नारियल का तेल या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में एक अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल आता है, उसका प्रयोग करके जब आप अपनी स्किन को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे हमारे ये ड्राई पैचेस कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। ड्राई स्किन जो है वो अलग अलग कारणों से व्यक्ति में हो सकती है, जिसमें पहला कारण तो जेनेटिक होता है कि कुछ लोगों में जन्मजात ही ड्राई स्किन होती है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में ऑयल ग्लैंड सूखने लग जाती हैं या वो मरने लग जाती हैं, उस वजह से भी स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में जो हमारा वातावरण होता है वो हमारे शरीर की, हमारे स्किन की नमी को सोखता है, उस वजह से भी हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गर्म पानी जो है हमारी त्वचा की नमी को बहुत ज्यादा सोख लेता है और बहुत ड्राइनेस बढ़ा देता है। तो आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, जिससे आपकी त्वचा की नमी बरकरार रहे। जितने भी ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो नहाने से 15-20 मिनट, आधा घंटे पहले अपने शरीर में कोई अच्छे तेल की मालिश जरूर करें। उसके बाद जो है, जब नहाते समय एक तो साबुन का ध्यान रखें कि वो ज्यादातर टाइप ए साबुन ही इस्तेमाल करें, जिनमें कि सल्फर का प्रयोग ना होता हो। नहाने के बाद जैसे ही वो शरीर को तौलिए से पोंछते हैं, उसके बाद वो शरीर पर दोबारा से किसी अच्छे ऑयल को जो उनके शरीर को सूट करता है, या फिर किसी अच्छे केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, और ये काम उनको 3 मिनट के अंदर करना चाहिए, जिससे कि नहाते समय जो उनके शरीर में नमी है वो लॉक इन हो सके। अपने आहार विहार में माइक्रोन्यूट्रिएंट को मेंटेन रखने के लिए फलों का नियमित सेवन करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए, रेगुलर प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें, इसके अलावा जो है डांस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी।